जैसा मालेगांव जो है एक हॉटस्पॉट कोरोना का माना जाता था, अब जो लहर आने वाली है इससे लोग ये करेंगे हमको कुछ नहीं होगा, लोग बिंदास जो रह रहे हैं, तो क्या तैयारी की गई है, उन्होंने क्या दक्षता लेना चाहिए? देखिए, पिछले बार जो कोरोना वायरस का महामारी आपने मालेगांव में क्या पूरे देश में फैला था, उस समय जो कोविड 19 का वायरस था उसमें अभी म्यूटेशन होके BA.7 का नया ओमिक्रॉन वायरस फैला है चाइना में, ऐसा रिपोर्टिंग हुआ है। अभी तक इंडिया में इसके ज़्यादातर केसेस मिले नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस ये वायरस देश भर में फैलता है तो वो नया म्यूटेशन है। ऐसे बीमारी जो डायबिटिक है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है उन लोगों को इससे ज़्यादा धोखा हो सकता है। तो इस बारे में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किए है कि आप जहाँ पे भी भीड़ भाड़ है वहाँ पे मास्क पहने, दूसरी बात है आप डिस्टेंस रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए, और जैसे ही आपको कुछ बुखार या सर्दी खांसी या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है, ये संसर्गजन्य बीमारी है, इसलिए आप प्रिकॉशन रखेंगे तो उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो मालेगांव की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि जो कोविड में गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दिए है या निजी हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो भी गाइडलाइन आपको देते हैं तो उसका आपने एहतियात करना चाहिए, और मास्क पहन के दूरी रखेंगे तो इससे मालेगांव अपना सेफ रह सकता है। सर, मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में कितने बेड तैयार? मालेगांव जनरल हॉस्पिटल हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल है, और इस बार हम लोगों को हमारे सिविल सर्जन थोराज साहब ने पूरे के पूरे 200 बेड कोविड के लिए रेडी रखने के लिए सूचना दी है। उस हिसाब से हमने 27 तारीख को मॉक ड्रिल लिया, और हमारे वैद्यकीय अधीक्षक चौहान सर ने भी इस कुछ खुद सब चीज़ों का जायज़ा लिया है। उसमें हम लोगों ने 200 के 200 बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से रेडी रख लिया। बाद में हमारे पास एक 20 KL का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, उसके बाद 6 KL का भी एक ऑक्सीजन टैंक है, उसके अलावा हमारे पास जंबो सिलेंडर जो हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं वो 243 जंबो सिलेंडर है, और हवा में से ऑक्सीजन बनाने वाला PSA प्लांट भी हमारे यहाँ इस बार लगा है, वो भी हम लोगों ने चालू करके रखा है। और पीडियाट्रिक पेशेंट जो बच्चों के पेशेंट अगर आते हैं तो उसके लिए हमने 50 खाट रिजर्व रखी है।